जैसे पैसों की रिक्वायरमेंट करें, जैसे 12 लाख रुपए दे दो हम उठा लेंगे। तो फोन आया था उनके? नहीं, फोन नहीं आया था, दो बंदे खड़े थे बाहर, जैसे उस दिन बवाल हो रहा था। और ये लापरवाही उनके परिवार वाले की रही है, ना हॉस्पिटल में डेथ हुई, ना माँ की हुई, ना बच्चे की। वो घर ले जाने के बाद एक दिन जी न्यूज के सभी दर्शकों का नमस्कार। जैसा कि आपको एक खबर देखी थी कल, 3 बच्चों का आरोप लगाया गया था प्रताप जो हॉस्पिटल है इनके डॉक्टरों पर। तो सच्चाई भी को हम जानेंगे, जो डॉक्टर है प्रताप हॉस्पिटल के डॉक्टर, उनसे बातचीत करेंगे आखिर क्या कुछ सच्चाई है, क्योंकि एक पक्ष की बात आपके सामने रख दी गई थी। तो ऐसे में डॉक्टर साहब कल बातचीत नहीं कर रहे थे क्योंकि पूरा मामला जानने की कोशिश कर रहे थे और प्रशासन ने भी पूरी तहकीकात करी है, पूरी जाँच करी है। क्या कुछ निकल कर आया, डॉक्टर साहब से सीधी बात करेंगे, आखिर सच्चाई क्या थी? क्या यहीं पर डिलीवरी हुई? क्या डिलीवरी के समय बच्चों की मौत हुई? ये बड़ा कारण और बड़े प्रश्न भी है। तो ये डॉक्टर साहब से पूछेंगे आखिर जो बच्चों की मौत हुई है वो कहाँ हुई है और कैसे हुई है, किस हालातों में मौत हुई है, जो आरोप डॉक्टर साहब प्रताप हॉस्पिटल पर लगाए जा रहे हैं। तो अंदर जाकर सीधी बात करेंगे। जितने भी दर्शक जुड़े हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिलहाल डॉक्टर साहब पहुंच चुके हैं, मामला कल एक पक्ष का दिखाया था, लेकिन रियलिटी में सच्चाई प्रताप हॉस्पिटल को हम जानना चाहेंगे। आप डॉक्टर अमित से बातचीत करेंगे क्योंकि कल ऐसा है, कल जब ये माहौल था बहुत ही गर्म था, डॉक्टर साहब भी चाह रहे थे भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, पर उस समय हम बाइट देंगे, सच्चाई भी बताएंगे। आखिर से पुलिस प्रशासन आया था तो उन्होंने भी पूरी जांच करी है। तो डॉक्टर साहब से हम पूरी बातचीत करेंगे कि अभी तक क्या हुआ, क्योंकि डॉक्टर साहब उसी जगह उसी तरह काम कर रहे हैं, अगर गलत होते तो ये शायद ही सलाखों के पीछे होते, क्योंकि 3 बच्चों का मौत का मामला था। लेकिन वो 3 बच्चों की मौत कैसे हुई, कहाँ हुई, क्या डिलीवरी के समय, ये भी सच्चाई जानेंगे डॉक्टर साहब से। सर नमस्कार डॉक्टर साहब। राम राम जी। एमजी न्यूज के सभी दर्शकों को भी मेरी तरफ से राम राम। डॉक्टर साहब कल जैसे दो जो पक्ष आए हुए थे वो कह रहे थे ऐसे ऐसे यहाँ डिलीवरी हुई है और 2 बच्चों की मौत है, एक लड़का की एक लड़की की। वो 2 का एलिगेशन लगा रहे हैं, 3 का नहीं लगा रहे, 2 का लगा रहे हैं। एक महिला तीसरी थी जो लास्ट में मिली थी, वो 3 का ही था, तीसरी महिला है उसका नहीं पता, जो एप्लीकेशन उन्होंने दी है डॉक्टर में, तो 2 का है, 2 का लगा रखा उन्होंने। पहले तो ये बताइए महिला कब की है, कौन सी जगह की है, दोनों महिलाएं? कुरुक्षेत्र से, हाँ कुरुक्षेत्र से पेशेंट था ये, और इनकी 1.5-2 साल पहले भी एक अपने पास डिलीवरी हुई। अच्छा। हाँ ये आंटी मेरे से बात करके भी मेरे को अपनी गुड़िया की डिलीवरी करवानी है और मैं वहां से कुरुक्षेत्र से बुला रही हूँ। अच्छा। तो मैं आंटी आप बुला लो, कोई दिक्कत नहीं, डिलीवरी हो जाएगी, डिलीवरी के लिए ही यहाँ पे स्पेशल आई थी। अच्छा। हालांकि वो न्यूज में बता रही है बार बार भाई बुखार था, बुखार के लिए मैं आई थी और इन्होंने दर्द के इंजेक्शन लगाए, ये कर दिया वो कर दिया। उसके आंटी के इस पे साइन जो 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 लड़का पैदा हुआ था, आप उसकी बात कर रहे हो, जो लड़का लड़की गुड़िया की बात कर रहे हैं, उसकी उनकी पहले डिलीवरी अपने पास हुई थी। अच्छा अच्छा। तो उनको पूरा ट्रस्ट था, हॉस्पिटल के ऊपर भी ट्रस्ट था, हॉस्पिटल का स्टाफ मेरा यही पुराना स्टाफ है, पहले भी यही था। बिल्कुल। उस टाइम पे उनकी पूरी केयर हुई है, वो खुद बता रहे भी पूरी केयर हुई, लड़का भी उनका जो पहले पता नहीं लड़की थी लड़का था वो सही, सारा कुछ बढ़िया है। तो इस बार स्टाफ भी वही है, डॉक्टर भी वही है, डॉक्टर अंतराम ने पहले ऑपरेशन किया था, अब भी डॉक्टर अंतराम ने किया है ऑपरेट, जो भी ऑपरेट हुआ है। तो अब वो एलिगेशन लगा रहे हैं स्टाफ ने ये कर दिया वो कर दिया, हालांकि अपने हॉस्पिटल में कोई भी डेथ नहीं हुई है, ना बच्चे की हुई ना मदर की हुई। अपन है यहाँ से जो ये लेडीज है जो लड़की का लगा रही है, ये अपने पास आए थे, अपन है पेशेंट को एडमिट किया नॉर्मल डिलीवरी हो चुकी नहीं, नॉर्मल डिलीवरी के लिए पेशेंट को एडमिट किया, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई तो हमने इसका LSCS बोल दिया, डॉक्टर अंतराम ऑपरेट करते हैं अपने पास, उनको लाते हैं। तो मैंने डॉक्टर साहब से बात करके पेशेंट एग्री होया, उनके कंसल्ट लेके रिटर्न में लिखवा के साइन करवा के तब डॉक्टर अंतराम को बुला लिया पूरे। हाँ बिल्कुल, ये काम नहीं है और ये पेशेंट के, ये डॉक्टर साहब के कंसल्ट है इसमें, उनके परिवार के जो, हाँ परिवार का ये देखो ये एग्री है सभी, पति और दीपक, तो इससे पहले मतलब हाँ ये पति के इनके साइन है और ये पूरी क्लियर लिख रखी है भाई हम अपनी मर्जी से ऑपरेट करवा रहे हैं प्रताप हॉस्पिटल में। अच्छा। हाँ ये चीज वो क्लियर करके, हालांकि वो ये बोल रही जबरदस्ती डिलीवरी हम कौन सा भाई गुंडे थोड़े ना, डॉक्टर हैं तो अपना काम करते हैं, पेशेंट जैसे बोलता है वैसे ही करेंगे। तो उसके बाद 4 दिन वो अपने पास एडमिट रही, उसमें 4 दिन में अपना पेशेंट की मेडिसिन करते हैं, एंटीबायोटिक वगैरह जो देनी होती है वो अपना पूरा फोर्स करते हैं ताकि जख्म वगैरह वो सारे भर जाए और पेशेंट को दिक्कत ना आए। उस बीच में हम बच्चों को अगर कोई दिक्कत आती है तो बच्चों को डॉक्टर को दिखाते हैं, इनका भी बच्चा मैंने डॉक्टर जैन के पास भेजा था,
हाँ भी आप बच्चे की वैक्सीनेशन करवाया हो, डॉक्टर अंतराम के पास, डॉक्टर जैन के पास दिखाया हो, डॉक्टर जैन के पास ये गए हैं, डॉक्टर जैन के पास ऑन रिकॉर्ड है उनका, उसके बच्चे का उड़िया का, डॉक्टर जैन से मेरी आज भी बात हुई है, डॉक्टर जैन बोल रहे हैं उस बच्चे को पीलिया नहीं था, ये बोल रही है पीलिया था, डॉक्टर जैन ने कहा बच्चा बिल्कुल सही है, बच्चे को कोई दिक्कत नहीं, गुड़िया को वैक्सीनेशन उसने कर दी थी डॉक्टर साहब ने, उनके पास ऑन रिकॉर्ड है, तो फिर वहां से वैक्सीनेशन करके मेरे पास आए थे, दो दिन और मेरे पास एडमिट रहे हैं उस दौरान, मतलब चार दिन या पांच दिन वो अपने पास एडमिट रहे हैं, यहाँ से माँ और बच्ची बिल्कुल सलामत अपने घर हमने भेज दी। तीन दिन के बाद, दो दिन के बाद पता नहीं, तीन दिन के बाद वो पेशेंट मेरे पास आता है जी, बच्ची को मैंने दूध पिला के सुलाया था और बच्ची रो नहीं रही, देखना एक बार, उस टाइम पे भी उस दौरान भी मैंने उनको ये बोला था आंटी मैं बच्चों का डॉक्टर नहीं हूँ ना, मैं बच्चों को देखता, आप जितना जल्दी हो सके डॉक्टर जैन के पास दिखाओ, हमारे पास बच्चे का डॉक्टर नहीं है और आप बच्चे का डॉक्टर ही ट्रीटमेंट करेगा, मैं क्या देखूं इसका, फिर भी मैंने एक बार हाथ लगा के फॉर्मेलिटी के तौर पर देख लिया था, मैं आंटी गर्म है बच्चा और थोड़ी बहुत मेरे को लग रहा भी ठीक है बच्चा, आप दिखा लो, आप टेंशन मत लो, आप दिखा लो, तो मेरे पास से वो चले गए थे, और बीच में मेरे स्टाफ की कंप्लेंट थी, जो स्टाफ अपने पास स्टाफ नर्स है वो बोल रही है भाई वो आंटी है ना बार बार बच्चे को बेड पे लेटा के दूध पिला रही है चम्मच से, जो आंटी है उसको हमने वार्निंग भी दी थी भाई तू बच्चे को लेटा के दूध मत पिला, या तो टेढ़ा करके दूध पिला, या दूध पिला के उसको थोड़ा बहुत चपकी दे खड़ा कर, लेटा के तो जैसे मैं भी अगर लेट के कुछ पानी दूध पीऊंगा तो जैसी बात अटकेगा वो, तो रीजन मेरे को लग रहा है रीजन 100% उसने भी वहां पे भी घर पे भी ऐसे ही किया है, कुछ उनका बार बार ये दुख था भी लड़की होगी, वैसे तो ऑपरेशन से हो गया फिर भी लड़की होगी, तो मैंने उसको ये भी समझाया था आंटी लड़का लड़की एक बराबर होते हैं, अच्छा हाँ लड़की का वो कोई मैटर नहीं, लड़की आज लड़कों से भी ज्यादा है आज लड़की, तो अगर कहीं ना कहीं उनको मलाल था इस बात का भी लड़की पैदा, हाँ लड़की पैदा होगी और वो भी ऑपरेशन से होगी, नॉर्मल नहीं हुई, अच्छा पहले क्या था इनके, ये फर्स्ट था प्राइमरी बच्चा, हाँ फर्स्ट बच्चा था उनका, तो बार बार वो अफसोस कर रहे थे, फिर मैंने समझाया आंटी जेठा बच्चा है लड़का लड़की सारे बराबर होते हैं, तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भी, आपका बच्चा और माँ ठीक है बिल्कुल, तो ये लापरवाही उनके परिवार वाले की रही है ना, हॉस्पिटल में डेथ हुई ना माँ की हुई ना बच्चे की हुई, वो घर ले जाने के बाद एक दिन दो दिन के बाद भी वो केयर नहीं करते, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया उसका तो आपको कुछ नहीं करते, अच्छा घर पे हुई है ये सारी, हाँ ये घर पेशेंट हुआ है, चार दिन पेशेंट मेरे पास एडमिट रहा है, दो दिन के बाद बच्चे को डॉक्टर जैन के पास भी वाली बात गलत है बिल्कुल, बच्चा नॉर्मल था बिल्कुल, आज मेरी डॉक्टर जैन से बात हुई, आज मैंने पूछा था, हालांकि वो न्यूज में बोल रही है डॉक्टर जैन ने ये बोला भी थोड़ा बहुत पीलिया लग रहा है, पांच दिन के बाद बच्चे को दिखा देना, आगे यही बोला था भी मैंने बच्ची को दूध पिला के खिलाया था और ये बच्ची उठी ही नहीं, तो देखना डॉक्टर साहब ये बच्ची बोल ही नहीं रही है, तो मेरे को रीजन ये लगा क्योंकि दो तीन बार हम मॉर्निंग दे चुके थे, ये वो आंटी थी जो पेशेंट थी वो पीछे बेड पे बाहर लटकी रहती थी, पेशेंट अंदर पड़ा रहता था, जो उसकी लड़की थी जिसको डिलीवरी थी वो ऑपरेशन वाली हिल भी नहीं सकती, उसको कटोरी में दूध डाल के देती थी, वो लेटे लेटे उसको मुंह में दूध डालती रहती थी, तो चीज भी तो गलत है ना, बार बार वार्निंग देने के बाद भी वो करती रहती है। डॉक्टर साहब बात तो अब ये निकल के आ रही है, जैसे कि आपने अभी बताया है कि वो बच्ची से ना खुश थे, यानी कि लड़की पैदा हुई थी ना खुश थे, जैसा आपने अभी बताया है, और उन्होंने जो नहीं करना चाहिए था जैसे आपने बताया वो ऐसा किया, तो क्या जानबूझकर उन्होंने किया फिर ये? नहीं देखो मैं कुछ नहीं बोल सकता अभी, जानबूझ के किया उन्होंने, क्या सोच के किया है क्या हुआ है वो तो भगवान को ही पता है, बट जो चीज वो कर रहे थे वो गलत था, हॉस्पिटल वाले केयर मैडम ने पूरी केयर की है, वो खुद न्यूज में बोल रहे भी मैडम देखने आई, मैडम ने भी देखा है बच्चा, और ऊपर से सेकंड ऑप्शन भी हमने डॉक्टर के पास उनको भेजा है, डॉक्टर जैन को दिखाया, जब अपने पास अवेलेबल नहीं था यहाँ पे डॉक्टर, तो मैंने बच्चों को डॉक्टर को भेजा, उनको वार्निंग भी दी हमारे पास बच्चों का डॉक्टर नहीं है, आप कहीं भी दिखा लो उनका बच्चा, आप कहीं भी केयर करवाओ, हाँ LSCS में उनकी लड़की बिल्कुल ठीक है जिसका ऑपरेशन हुआ था, डॉक्टर अंतराम डॉक्टर अनिल जांगड़ा अपने NCHA के आते हैं और मैडम अपने पास यहाँ केयर करती है, मैं हॉस्पिटल का ओनर हूँ मैनेजमेंट ऑफिसर हूँ, तो मैनेजमेंट का मैं संभालता हूँ, हाँ स्टाफ में वो बोल रही है बार बार झाड़ू पोछे वाले इंजेक्शन करते हैं, मेरे पास स्टाफ अवेलेबल है पुराना है, इनके ओन डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है सारा कुछ है प्रॉपर। अच्छा एक वो लड़के वाला मामला था, हाँ वो लड़के वाला मामला था जो उसके बारे में मैं बताता हूँ आपको, जो ये गुड़िया एक्सपायर हुई है उनकी पेमेंट पूरी हो चुकी थी, अच्छा जी हाँ उन्होंने वो मीडिया में बोल रही है 30,000 पेमेंट करवाई, बट उन्होंने 20,000 एक आए थे, 27,000 पेमेंट वो दे चुके हैं, अच्छा लड़की हाँ वो बोली जी लड़की होगी मैं तो इतना ही कर पाऊंगी, हालांकि मेरी 30 में बात हुई भाई हम 30 लेते हैं आपको 30 करना पड़ेगा, और तो वो बोली पहले उन्होंने 20 करवाए मेरे फोन में गूगल पे करवाया था उन्होंने, तो वो 30 का नाम ले रहे हैं 27 उन्होंने करवा दिया था, मैंने कोई बात नहीं आंटी भाई अगली बार जब लड़का होगा ना जब आप देख लियो कोई दिक्कत नहीं, हाँ मैंने फिर भी वो मजाक में टाल के मैं कोई बात नहीं आंटी जो आपने कर दिया वही ठीक है, तो उसके बाद जो लड़का हुआ है उन्होंने 10,000 रुपये पेमेंट मेरे पास अकाउंट में करवा रखे, अकाउंट में नहीं भाई हाँ भाई कैश दिया था उन्होंने 10,000 रुपये कैश दे दिया,
जो उसका लड़के का पापा है वो ना तो मीडिया के सामने आया कहीं भी, ना उसने बोला भी मेरे को दिक्कत हुई है कुछ हुई है, और पड़ोसी उसके कूदन लग रहे हैं, वो अब भी नहीं आया तो चाचा जी आए, हाँ, चाचा जी ताऊ वो और उठ रहे हैं, तो वो जो खुद लड़का है और वो जो उसकी मिसिज थी, मतलब वो लड़का आगे नहीं आया अब तक, वो मेरे पास आया उस दिन छुट्टी दिलवाने के लिए, बोला डॉक्टर साहब मैं हाथ जोड़ू पैर पकड़ूंगा एक महीने के बाद में पेमेंट करके जाता। अच्छा। मैं बोला भी कोई नहीं, हाथ जोड़ने की पैर पकड़ने की जरूरत ही नहीं है, तो पड़ोस से है आड़े पास से है नरवाना, तो कोई दूर वाली बात नहीं है, तू करवा दिए आराम, तभी दिक्कत होगी कोई बात नहीं, तेरे भाई बच्चे के डॉक्टर के भी लगे हो गए तो कोई समस्या नहीं है, पेमेंट भी उनकी पूरी नहीं हुई, 10,000 उनका अमाउंट मेरे पास आ रहा है, तो उसका क्या रीजन रहा है उनके, वही 27 के आसपास है, हाँ 27-28 के आसपास बने थे उसको, लड़के वाले की बात करूँ मैं, हाँ लड़के वाले की, उनके भी 27 के आसपास है, 30 बोला था अभी, बखा तुम जितने करो देख लेंगे बाद में, थोड़ा बहुत तो चल गरीब आदमी भी देख लेंगे ऊपर, तो दे दिए कितने उनके 10,000 आए मेरे पास, 10,000 हाँ पेमेंट नहीं आया, 17 रह गए थे, हाँ बाकी इस तरह रह गए थे। तो उसमें फिर क्या बात हुई थी, वो उसको टाइफाइड था पेशेंट को पहले से ही, अच्छा वो डेढ़ उसकी मम्मी को 1.5-2 महीने से नारियल का पानी उसको 3-3 बार वो पिला रहे थे, अच्छा मौसमी का दूध पिला रहे थे, नारियल का पानी पिला रहे थे, और भी पता नहीं कौन से डॉक्टर से वो मेडिसिन ले रहे थे, तो अंदर से ट्रीटमेंट तो लिया होगा ना किसी डॉक्टर से, वो मेरे को नहीं पता, तो ऑन द स्पॉट मेरे पास आए, मैंने पूछा कोई दवाई तो नहीं ले रहे, डिलीवरी कहाँ हुई थी, डिलीवरी अपने पास हुई है, अच्छा उस समय दिक्कत थी टाइफाइड की, उस समय टाइफाइड की दिक्कत, टाइफाइड के अपने टेस्ट नहीं करवाए, और टेस्ट सारे इसमें रिटर्न में थे, प्लेटलेट एक 55 थी उसकी, और एचबी प्रॉपर था, सारा कुछ प्रॉपर था, तो बच्चा नॉर्मल था उसमें, उसमें धड़कन बिल्कुल ठीक थी, अच्छा। अपने पास जैसे डॉक्टर से अपन धड़कन चेक करते हैं, मैडम ने किया चेक तो बिल्कुल नॉर्मल था सारा कुछ, तो उसके बाद पहले उसका 1 साल पहले ऑपरेट था, ऑपरेशन भी मेरे पास हुआ था, उसको गुड़िया पैदा हुई थी अपने पास ही हुई थी, वो गुड़िया भी ठीक है, मदर भी ठीक है, सेकंड ऑप्शन में वो मेरे पास अब भी आए, इन पर जो सब क्या करना चाहिए, लेबर पेन उसको थे, दर्द थे ज्यादा, मैं बोला अभी एडमिट करवा गए क्योंकि 1 साल हुआ है, अगर लंबा टाइम होता फिर तो चलो नॉर्मल की कोशिश करते, तो ऑपरेशन करवाने में फायदा है, कच्चा शरीर होता है इस टाइम पे, तो वो बोले सर ठीक है आप ऑपरेट कर दो, तो पेमेंट का कहा तो मैंने वो बोले जी हमारे पास 10 हैं आप, तो जब तक मैं छुट्टी करवाऊंगा जब तक मैं जब्ता कर लूंगा कहीं से, मैं चलो भी ठीक है तू करवा लेना, तो ऑपरेशन के लिए डॉक्टर अंतराम सर्जन है वो आते हैं अपने पास, डॉक्टर अनिल जांगड़ा भी आए थे, मैडम भी आई थी, हमारा पूरा स्टाफ था, तो बढ़िया ऑपरेशन हुआ, बच्चा होते ही ठीक रोया कराई की, बिल्कुल सही था बच्चा, माँ भी बिल्कुल सही थी, तो उसके बाद ये बात होने के बाद बच्चा जैसे हमने देखा आधे घंटे के बाद, 10-15 मिनट हुई होगी, आधा घंटा भी नहीं हुआ था, तो बच्चा मतलब टसक सी रहा था, जैसे थोड़ा हा बेबी हिस्सा हो जाता है बच्चा, मतलब खुल के वो एक्टिविटी नहीं कर रहा था, तो मैंने उनको बोला भाई तुम जितना जल्दी उसके डॉक्टर जैन के पास ले जाओ बच्चे को, एक बार दिखा लो चेक करवाने में घुस नहीं जाता, उसकी ताई थी चाची थी पता नहीं कौन थी वो बोली यहाँ से रेफर कर दिया, डॉक्टर जैन ने देखा बच्चा, उनको बताया भी बच्चे को दिक्कत है अंदरूनी, बच्चे को अंदर से कोई दिक्कत है, तो मैं यहाँ रख नहीं सकता, मेरे पास जानी है आप इसको हिसार ले जाओ कहीं भी हायर ले जाओ, तो मेरे पास वापस फिर आ गए, तो फिर वो लेडीज बोले ये बच्चों का बच्चे रखा हमारा बिल्कुल ठीक है आप भेजो मत, हम प्राइवेट में नहीं ले जाएंगे हमारे पास बजट नहीं है, तो मैंने उनको आयुष्मान के लिए पूछा भी आयुष्मान होगा आयुष्मान चल जाएगा, तो वो लड़का बोला सर आयुष्मान है मेरा नाम गलत हो रहा है, इसकी मम्मी का आयुष्मान इनके घर होगा तो मेरे को पूछना पड़ेगा, बाकी मेरे आधार कार्ड में नाम गलत है तो आयुष्मान नहीं चलेगा, बच्चा को तो दिक्कत है बच्चा तो रेफर करना पड़ेगा, बच्चा तो ऐसे रख नहीं सकते दिक्कत हो जाएगी, तो फिर मैंने उसको सिविल में पर्ची बना के सिविल सरकारी हॉस्पिटल जींद में रेफर कर दिया, एयर सेंटर लिख के उस पर सारा बच्चे का वेट टाइम और बच्चा जो भी कंडीशन में था वो लिख के उनको भेज दिया, मैडम के साइन करवा के मैडम को दिखा गए बच्चा, तो वो जींद यहाँ से ले गए, जींद से उनका मैंने खुद अपनी गाड़ी भेजी है पर्सनल, मेरा खुद ड्राइवर गया है यहाँ से बच्चे को लेके एडमिट करवा के वहाँ पे 11-12 बजे वो ड्राइवर मेरा वापस आए हैं, तो आने के बाद मेरे को बताया सर वो तो इशार लेके गए, उन्होंने मेरे से कोई डिस्कस नहीं किया हम कहाँ लेके जाएं कहाँ ना ले जाएं, तो इशार पता नहीं कौन से हॉस्पिटल में वो लेके गए हैं, वहाँ पे उन्होंने 2 दिन बच्चा एडमिट रखा है, तो उसके बाद वहाँ से वो बच्चे की डेथ उस हॉस्पिटल में हुई है 2 या 3 दिन के बाद, और वो पेशेंट जो था मेरे पास यहाँ पे एडमिट था, फिर जो छुट्टी लेने आए हैं तब उन्होंने बताया भी हमारा बच्चा ऐसे वहाँ पे खत्म हो गया, ये उसका रीजन है हॉस्पिटल में, अपने हॉस्पिटल में ना तो गुड़िया की डेथ हुई ना उस बच्चे की हुई, और उनको ऑन द स्पॉट बता दिया गया था भाई हमारे पास बच्चों के डॉक्टर नहीं है, हम या तो उनको डॉक्टर साहब बुलाते हैं, कई बार कोई दिक्कत होती है उनको डॉक्टर जैन आते हैं अपने पास, और भी बच्चों के डॉक्टर हैं जैसे डॉक्टर अंतराम की लड़के की बहू थी अपने डॉक्टर इसमें हॉस्पिटल में थी पहले, वो ऑन द स्पॉट आ जाती है डिलीवरी के टाइम पे, कई बार डॉक्टर अंतराम भी संभाल लेते हैं बच्चों को, तो उस कंडीशन में अगर दिक्कत लगती है हम रेफर कर देते हैं, पेशेंट को भी पहले सजेशन देते हैं भाई आप कहीं भी ले जाओ हमारे पास बच्चों की सुविधा नहीं, हाँ इस वजह से। तो डॉक्टर साहब जैसे ये तो आपकी बात ठीक है आपकी बात सही है, अब जितने भी दर्शक जुड़े हुए थे सभी से अपील थी कि इस खबर को भी शेयर करें, जैसे आपने कल वाली वीडियो शेयर करी थी
क्योंकि सच्चाई आनी चाहिए। कल लगातार आरोप डॉक्टर साहब के और के ऊपर लगाए जा रहे थे प्रताप हॉस्पिटल के, क्योंकि ऐसे कहीं ना कहीं छवि भी खराब होती है हॉस्पिटल की। लेकिन सच्चाई, क्योंकि जब तक दोनों पक्ष की बात सामने नहीं आती सच्चाई नहीं आती। कल एक पक्ष की बात थी, पेशेंट थे वो खुद ही वो बात मान रहे हैं मीडिया के माध्यम से, उन्होंने बोला अभी डॉक्टर साहब ने बोला था हमारे पास बच्चों के डॉक्टर नहीं है, आप बच्चों को डॉक्टर को दिखाओ जाएगी। और वो प्रूफ भी है डॉक्टर जैन के पास भी, ऑन द रिकॉर्ड होता है, रजिस्टर में भी रिकॉर्ड होता है, वैक्सीनेशन का भी रिकॉर्ड होता है, वो उनके पास भी रिकॉर्ड है। दोनों बच्चे मैंने डॉक्टर साहब के पास भेजे हैं, डॉक्टर जैन के पास। कल तो मिलता हूँ बिल्कुल, तो मैं मानता हूँ चीज को भी मेरी गलती रही है, या डॉक्टर अंतराम गलत मिलते हैं, डॉक्टर अंतराम ने ऑपरेशन किया है, मैं तो मैनेजमेंट संभालता हूँ, अपनी कुर्सी संभालता हूँ, भैया आओ अपना डील करता हूँ, डॉक्टर साहब को बुलाते हैं, या मेरा कोई स्टाफ इस चीज में इन्वॉल्व मिलता है भी गलत है, तो हम गलती के जिम्मेवार हैं। अगर वो गलत मिलते हैं तो मैं भी अब मानहानि का केस करूंगा, बिल्कुल मैं भी बख्शूंगा, क्योंकि मेरे हॉस्पिटल का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हर गांव में हर गली में लोग मेरे पे इतना विश्वास करते थे बहुत ज्यादा भी डॉक्टर साहब के पास चलेंगे, क्योंकि मैं गरीब भी देखता हूं, अमीर भी देखता हूं, हर चीज देखते हैं। कई बंदे ऐसे भी हैं जिनके पास ऑपरेशन नॉर्मल डिलीवरी का या कोई बुखार मलेरिया का आ गया भी, मेरे पास पैसे नहीं है सर, भाई तुम इलाज करवाओ पैसे आ जाएंगे, पैसे की कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि पैसा माँ बाप नहीं होता जी, इंसानियत सबसे बड़ी चीज होती है। तो वो मैंने चीज क्लियर की है। तो इन पेशेंटों ने जो किया है, इतना बवाल किया, हंगामा किया है हॉस्पिटल में आके, इतना बवाल किया है, तो वो बहुत गलत था। अब इनका चक्कर यही है, लास्ट में निचोड़ ही निकलता, अब ये पेशेंट जो से पैसों के रिक्वायरमेंट कर रहे हैं, 10-12 लाख रुपए दे दो हम उठा लेंगे। क्या फोन आया था उनको किसी का? नहीं फोन नहीं आया था, दो बंदे खड़े थे बाहर, जैसे उस दिन बवाल हो रहा था, तो तब मैं पहचान तो सकता नहीं इतनी पब्लिक में कौन क्या था, मैं मिला नहीं किसी से, 50-100 बंदे थे, तो उनमें से दो बंदे बोल रहे थे आप पेमेंट थोड़ा बहुत पीछे का कर लो, मैं भी थोड़ा बहुत पीछे कितना बोला 10-12 लाख रुपए दे दो या दब जाएगी बात। तो मैंने उसको यही बोला ना, तो मैं गलत हूँ भाई, मैं तो निचोड़ तक जाऊंगा, और मैंने खुद ऐसे तो सर को फोन करके बुलाया, अगर मैं गलत होता तो मैं ऑन द स्पॉट ना तो मैं हॉस्पिटल होता। यानी कि पुलिस आपने ही बुलाया है? हाँ पुलिस मैंने फोन करके पुलिस को बुलाया है, ऐसा तो सर का मेरे पास नंबर है, अब भी मेरी बात हुई है सत्य माँ सर क्या रहा, तो उन्होंने ये बोला अभी हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम बैठेगी, इंक्वायरी करेंगे, अगर वो गलत वो दोषी मिलते हैं तो उनको बख्शा नहीं जाएगा, अगर डॉक्टर साहब आप में कोई दिक्कत मिलती है, आप में कोई कमी मिलती है, आपको नहीं बख्शा जाएगा। तो मैंने रिक्वायरमेंट की है सर आप इंक्वायरी करवाओ, और जैसा भी होता है जितना भी ज्यादा आप सहयोग करो फिलो करो उनको करो, बस गलत चीज का निचोड़ निकालो बिल्कुल। हाँ और मेन जिम्मेदारी देखो सबको दिख रही है, तो भी हॉस्पिटल में माँ बच्चा सेफ है, मेरे पास जाने के बाद भी कौन इशार डॉक्टर किसके पास गए, उसने क्या किया, ट्रीटमेंट क्या ना किया, उसके बारे में मैं नहीं बोल सकता बिल्कुल। तो भाई देखो आपने डॉक्टर साहब है डॉक्टर अमित जी, देखो किसी भी बात का पूरा निचोड़ पूरी बातें जाने ही हम किसी को गलत ठहरा नहीं सकते, जैसा कि एक पक्ष की कलम ने बात सुनी थी, गलत ठहराया नहीं जा सकता। तो चाहूंगा कि इस प्रकार से दोनों पक्ष की जो अपने बातें सुनी है आप कमेंट में राय रखें कि कौन गलत है कौन सही, क्योंकि प्रॉपर सबूत मेरे पास है, डॉक्टर के कंसल्ट है, अनिथिशा के डॉक्टर थे उसके भी कंसल्ट है, मैडम के भी कंसल्ट है इसके अंदर, और पेशेंट का भी रिटर्न में लिखा हुआ है भाई हमें अपनी मर्जी से ऑपरेशन या डिलीवरी करवा रहे हैं, के लड़कों से ज्यादा लड़कियां हैं, और हम मानते हैं समाज में बहुत ज्यादा, मतलब देखो आज के टाइम पे भी ये चीजें मेरे को दुख हो रहा बताते हैं, भी चल रही है बुढ़िया आ गई जांच की। डॉक्टर साहब अगर हेल्थ डिपार्टमेंट की कोई टीम जांच कर दे तो कितना सहयोग आप करना चाहोगे? मैं फुल सहयोग करूंगा सर, मैंने ही बोला है हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम बिठाई जाए, और ऐसे तो सर को भी मैंने बोला था भाई हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम बिठाई जाए और इस चीज का निचोड़ किया जाए बिल्कुल। अगर हम गलत पाते हैं, मेरा हॉस्पिटल इस चीज में इन्वॉल्व मिलता है या डॉक्टर से इन्वॉल्व मिलते हैं, डॉक्टर की कमी है कोई, तो हम अपनी भाई पूरी उस चीज को कोऑपरेट करेंगे, और अगर वो गलत पाते हैं तो उनके ऊपर। तो भाई ज्यादा से ज्यादा खबर को शेयर करें, और दोनों पक्षों की खबर आपको दिखाई गई है तो इस खबर को भी जरूर पहुंचाना है, क्योंकि एक पक्ष की खबर गई थी तो दूसरे पक्ष की खबर भी पहुंचाना आपका कर्तव्य बनता है। जैसे डॉक्टर साहब आए हैं मीडिया के सामने, पूरी डिटेल इन्होंने ली, पूरी जानकारी ली, और इन्होंने कहा है कि हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम अगर हमारी कोई कमी निकालते हैं, जो भी सजा दे या जो भी वो कहेंगे हम जिम्मेवार है, तो बहुत बड़ी बात है ये, जरूर शेयर करें, धन्यवाद। कि आपने डॉक्टर साहब की पूरी बातें सुन भी ली है, भी क्या कुछ कहना चाह रहे थे डॉक्टर साहब का कहना था कि जो बच्चों की मौत हुई है उनके घर पर जाने के बाद हुई है, यानी यहाँ से डिलीवरी सुख शांति से हुई है, अब घर पे जाके क्या कुछ होता है देखो ये तो वहाँ की बातें हैं, लेकिन यहाँ से तो बिल्कुल सेफ चले गए थे। आपका इस खबर के बारे में क्या कुछ राय रखना चाहते हैं वो कमेंट में जरूर रखें, और वीडियो को जरूर शेयर करें, धन्यवाद।